विकासखंड गोहर की ग्राम पंचायत चोलचौक में गढ़ही बाढ़ में पड़ने वाले गढ़ही नाले को बरसात से पहले दोनों तरफ से पक्का किया जा रहा है। मनरेगा के तहत गढ़ही नाले को पक्का करने के लिए शुरुआत में पंचायत द्वारा 130 मीटर नाले के लिए 9 लाख की राशि मनरेगा के तहत स्वीकृत की गई है। वो 5 मई से कार्य को शुरू कर दिया गया। वार्ड मेंबर मीना कुमारी ने जानकारी देते हुए बताया कि नाले को पक्का करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, जिसमें कि गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा गया है, ताकि बरसात में आने वाले पूरे चोलचौक क्षेत्र के पानी से इस नाले से होने वाले लगभग सैकड़ों बीघा भूमि कटाव व लोगों के घरों को उत्पन्न खतरों से यहाँ की जनता को राहत मिल सके। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक वर्ष बरसात के दिनों में चोलचौक, काफलू, बगियार, कोहलू, नेहरा, बद्रोण व काथला गांव से आने वाले बरसाती पानी से यहाँ के घरों को खतरा रहता था, लेकिन नाली पक्का करने से अब यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी। वही मनरेगा के तहत चले कार्य में तैनात मनरेगा लेबर ने बताया कि 198 रुपए की दिहाड़ी बहुत कम है। बस किराया, बच्चों का स्कूल खर्चा, राशन की महंगाई के आगे 198 रुपए की दिहाड़ी बहुत ही कम है। वो मनरेगा लेबर ने सरकार से मांग की है कि कम से कम 300 रुपए की दिहाड़ी रेट होना चाहिए, ताकि परिवार का पालन पोषण अच्छे से चल सके। मरीना देवी है, मैं चोलचौक पंचायत से हूँ और मनरेगा में काम करती हूँ। मेरी सरकार से यही गुंजाइश है कि इतने ये में काम कर रहे हैं, हमें रिस्क लेके काम कर रहे हैं और हमारा कुछ नहीं, अगर हमें कल को कुछ हो जाए तो हमारा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर सरकार हमें कुछ देगी है, इसलिए मेरी सरकार से ये है कि हमें हमारा यहाँ सेफ्टी के लिए कुछ होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, आप इंश्योरेंस की मांग कर रहे हैं? इंश्योरेंस होनी चाहिए और दिहाड़ी भी हमारी 198 भी नहीं मिलती, 198 रुपये मिलती है हमें, इसलिए हमारी दिहाड़ी बधाई। कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से, क्या लगता है आपको महंगाई के दौर में? कम से कम 250-300 रुपए तो होनी चाहिए, 300 होनी चाहिए हमारी। और घर का इतना सारा काम छोड़ के आते हैं, हम घर में भी इतना काम करते हैं और यहाँ पर आके इतना सारा काम करते हैं। घर में हमारे जो घर वाले उनको भी इतने लॉकडाउन में वो भी घर में बैठे रहे, हमारा घर में मतलब ये करके हमारा गुजारा नहीं होता है, 200 से हमारा कुछ गुजारा नहीं होता है। और ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है बच्चों को, और सरकार से हमारे जो मनरेगा में लगे उनको एक मोबाइल मिल। मैं मीना कुमारी हूँ, मेरी पंचायत चोलचौक है, मैं गढ़ही बाढ़ से हूँ। और ये जो नाला है गढ़ही नाला, ये चोलचौक का पूरा पानी आता है इसमें, और ये बहुत ज़्यादा पानी आता है क्योंकि लोगों की रातों की नींद भी आराम हो जाती है। कई बार हमने लोग ऐसे निकाले कि रस्सी से भी निकाले हैं बाहर स्लाइड पे, इतना ज़्यादा पानी आता है कि इसका विकास है बहुत ज़रूरी है। और मैं करवा भी रही हूँ इस काम को कि ये काम जो है 130 मीटर आया है, इस काम का ये काम जो है 5 मई से शुरू हो गया है। धन्यवाद। मेरा नाम सब्बू है और हम चोलचौक पंचायत के हैं और हम नरेगे में काम करते हैं, और इसमें दिहाड़ी हमारे को 200 रुपए मिलती है। 200 भी नहीं मिलती है पूरी, 198 मिलती है, इससे नहीं होता है हमारा गुजारा इतना काम। और बच्चों का आजकल ऑनलाइन पढ़ाई का खर्चा, इसमें मोबाइल भी चाहिए बच्चों को काम करने के लिए, तो 200 से कैसे करेंगे हम गुजारा। इससे मैं सरकार से यही गुजारिश करती हूँ कि हमारी दिहाड़ियों को थोड़ा ज्यादा बढ़ाया जाए।